बालाघाट में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क हो या पंचायत की सड़क, नियम है कि इन सड़कों से भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा, लेकिन कोई भी वाहन चालक इस नियम का पालन करता नजर नहीं आ रहा है। शासन ने इन सड़कों पर चलने वाले भारी वाहनों की रोकथाम के लिए जिम्मेदार नियुक्त किए हैं, किंतु जिम्मेदार ही चंद रुपयों की खातिर नियम और कायदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और भारी वाहनों को पास करा रहे हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो कार्रवाई कैसे हो सकती है? सरपंच कहते हैं कि हमने इस संबंध में कई बार कलेक्टर बालाघाट को लिखित शिकायत की है, किंतु आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जी बताइए। प्रधानमंत्री सड़कें और जो पंचायत सड़कें, ये दोनों में भारी वाहन प्रवेश हो रहा है, जबकि भारी वाहन प्रवेश निषेध का बोर्ड भी लगा है। क्या कहना है इस संबंध में? इस समस्या को लेकर हमने कलेक्टर महोदय को पिछले 4-5 सालों में कई बार अवगत कराया है, कई बार आवेदन भी दिया है, लेकिन इस समस्या का आज तक निराकरण नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में 7 टन से ऊपर का कोई भी वाहन नहीं आना चाहिए, लेकिन प्राय देखने में आता है कि कभी 12 टन, कभी 20 टन, कोई 25 टन, 10 चक्का, 12 चक्का, 18 चक्का ऐसे वाहन यहाँ चलते हैं। अभी वर्तमान में जो सालटेगा से भालवा रोड बन रही है, उसके निर्माण कार्य में भी ठेकेदार के द्वारा इस रोड के ऊपर से 12 चक्का और 18 चक्का का ट्रक मिट्टी भर के ले जाया जा रहा है।